नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा टू फोर सेवन हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे माफी चाहूंगा यार सेशन थोड़ा लेट से बना था इस चक्कर में यहाँ पर लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे टॉपिक है व्हाट इज कन्या समृद्धि योजना इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बट उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज रात को आठ बजे हम लोग जोड़ेंगे अड्डा के दंगल में आपका भाई आशीष गौतम मेरे भाई इस सेशन में होगा और कहीं ना कहीं मजा आने वाला है मेरे भाई और देखते हैं कि जीतूंगा हारूंगा इट इज सेकेंडरी बट मजा काफी आएगा एक लाख जीतते नहीं जीते तो देखते हैं बट हां मजा आने वाला है आई होप जीत जाऊं बट दुआ मनाएंगे लेकिन जुड़ना जरूर आज रात को आठ बजे ओके okay? जुड़िएगा जरूर ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी स्टूडेंट इस टाइम पर दिमाग में रखे हुए थे कि हम लोगों को अड्डा का महा पैक लेना है वॉरियर बैच लेना है स्टेडिक जीके 2.0 लेना है अभी बहुत बेहतर वक्त है अड्डा के बारह साल कंप्लीट हुए अड्डा 247 अड्डा हमारी कंपनी के और इसी वजह से दोस्त यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है डबल वैलिडिटी ऑफर मतलब सिक्स मंथ की वैलिडिटी में एक्स्ट्रा सिक्स मंथ मिलेंगे ट्वेल्व मंथ की वैलिडिटी में एक्स्ट्रा ट्वेल्व मंथ मिलेंगे ओके और सबसे बढ़िया इस दौरान मेरे अनुसार लेना रहेगा बैंक महापैक इसमें ऑल फैकल्टीज के ऑल लाइव क्लासेस ऑल बैचेस ऑल क्रेस कोर्स इंटरव्यू बैचेस ऑल इंटरव्यू बैचेस ठीक है दोस्त एक तरीके से सेबी भी इंक्लूडेड है नाबार्ड भी इंक्लूडेड है इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम होंगे वो आईबीपीएस एस बी आई मतलब आप लोगों ने अगर ये बैच एनरोल करा लिया तो इसमें आपका एनआरएस इंक्लूडेड है सब कुछ e, e प्रिंटेड कराई जा रही है और फोर सेवन एप्लीकेशन से ऐप पे आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो सेवनटी एट परसेंट है अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम पे आपको सेवनटी सेवन कोड याद रखना है वाई वन सिक्स एट इस कोड को लगाइएगा वाई वन सिक्स एट को मेरा स्टैटिक जीके जो बैच है आज रात नौ बजे से स्टार्ट हो रहा है 9 टू 10 पीएम इसकी पहली क्लास होने जा रही है इस बैच में भी तुम लोग इनरोल करा सकते हो अगेन कोड लगाना वाई वन सिक्स एट फाइनेंशियल अवेयरनेस जिन्हें कंप्लीट करना है उनके लिए वॉरियर 5.0 बैच है और इस बैच में आज मेरी सातवीं क्लास है बाकी जितनी भी हो चुकी है वो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेंगी उनकी पीडीएफ भी इसमें भी इनरोल करा सकते हैं ये भी आपको सिक्स हंड्रेड के लमसम पड़ेगा सभी के लिए आपको अड्डा टू फोर सेवन एप्लीकेशन पे ही या तो अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम पे जाना है कोड लगाना है वाई वन सिक्स एट ये तुम्हारे भाई का कोड रहेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वॉरियर फाइव पॉइंट जीरो स्टेटिक के लिए स्टैटिक टू पॉइंट जीरो बैंक एस एस सी रेलवे कोई भी स्टूडेंट इसके लिए एनरोल करा सकता है और जो आर आरबी क्लर्क लिए जा रहे हैं उनको मैं बता देता हूं जो आरआरबी क्लर्क का कैप्सूल है उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूं और इसमें मैं ट्वेंटी हूं कल मेरी फिर दोबारा इसमें क्लास होगी नौ से ग्यारह नौ से साढ़े दस इसमें डेली क्लास रहेगी तो इसमें भी आप लोग इनरोल करा सकते हैं अब बढ़ते हैं यहां पर सबसे पहले और इंपॉर्टेंट सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ है क्या सुकन्या समृद्धि योजना वो मैं बता देता हूं एक बच्ची इसका जन्म हुआ ओके तो सरकार ने बोला कि इसके जन्म से दस वर्ष तक टिल टेन ईयर इनके नाम से एक अकाउंट ओपन होगा उसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट इस अकाउंट में आप एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करेंगे और टिल 21 वन तक आपको इस मतलब इस अकाउंट में मतलब कहने का यह है कि एक बच्ची है जिसकी उम्र अगर 10 साल तक है वो इसके अकाउंट इस अकाउंट के लिए एलिजिबल बनती है एक सेकंड मेरा साउंड चेक कर लू हेलो 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 सारी चीजें ठीक है यार ओके हेलो 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 और इस योजना के तहत बोला क्या गया है आपको एक मैक्सिमम जो अमाउंट है एक साल में वो डेढ़ लाख रुपए है और जो मिनिमम अमाउंट है टू फिफ्टी रुपीज आप लोग इस बीच भी पैसे जमा कर सकते हैं ओके okay? और होगा क्या कि आप जो पैसे जमा करेंगे ये 15 इयर्स तक तो आप डिपॉजिट करेंगे और 21 इयर्स के बाद आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा जो आपका टोटल अमाउंट डिपॉजिट रहेगा वो मिल जाएगा सर फायदा क्या है फायदा ये है कि आप लोग अगर बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते थ्री परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी भी कराते फाइव पॉइंट एट परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है यहां पर आपको अराउंड सेवन पॉइंट फोर परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा पर एन पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा। शायद इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कहीं इस, की तो इस, तो इस कीजिएगा ओके टैक्स में डिडक्शन भी मिलती है इसमें द स्कीम वॉज लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्वेंटी सेकेंड जनवरी इसका पढ़ाने का रीजन ये भी है क्योंकि बाईस जनवरी को इसका अभी एनिवर्सरी भी रही थी इस योजना को 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ दी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन द अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड के नेम से अकाउंट ओपन किया जा सकता है ओके okay? कब तक जब तक उनकी उम्र दस साल नहीं हो रही ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड अगर किसी के घर में एक बेटी पैदा हुई तो वो अकाउंट ओपन हो सकता है फिर दोबारा एक बेटी पैदा हुई तो क्या फिर भी अकाउंट ओपन हो सकता है तो आंसर बनता है यस दो के लिए ये अच्छा दूसरी बार में अगर ट्विंस पैदा होती है तब क्या केस है तो फिर बोत एलिजिबल बन जाएंगी तो यहां पर तीनों के नाम से अकाउंट ओपन करा सकते हैं तो बेसिकली दो है अगर दूसरे केस में अगर ट्विंस होती है तो फिर दोनों एलिजिबल रहेंगी अब आप सोच रहे सर पहले केस में ट्विंस हो जाए तो दो तो मैक्सिमम है ये तो पहले केस में दोनों के नाम से अकाउंट ओपन करा सकते हैं अकाउंट कैन बी ओपन इन पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस ऑफ ऑथोराइज बैंक बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन हूज नेम द अकाउंट इज ओपन मस्ट भी सबमिटेड तो दोस्त यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है ठीक है इट इज मस्ट बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए ठीक है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बिना बर्थ सर्टिफिकेट के काम नहीं चलेगा बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन नेम द अकाउंट इज मस्ट ये मैंडेटरी अनिवार्य है अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम ऑफ रुपीज टू फिफ्टी कम से कम ढाई सौ रुपए अकाउंट ओपन हो सकता है और मैक्सिमम वन लैख फिफ्टी थाउजेंड कैन बी डिपोजिटेड इन अ फाइनेंशियल ईयर एक साल में मैक्सिमम डेढ़ लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी वियर इन इंडिया फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक तीन चीज आपको रखनी है। सबसे पहले अकाउंट हो हो ओपन होने से फिफ्टीन ईयर्स और अकाउंट जो मैच होगा मतलब आप जो इसमें से पैसा जमा हो रहा है वो निकाल सकते हैं वो ट्वेंटी वन ईयर्स के बाद निकाल सकते हैं अकाउंट ओपन होने के ना कि बच्ची की उम्र होने के अकाउंट ओपन होने के कब तक डिपॉजिट करना पंद्रह साल तक और अकाउंट होने के बीस साल बाद इसमें से आप पैसा पूरा विद्रॉ कर सकते हैं लेकिन इस बीच जब बच्ची की उम्र एज अठारह साल होती है तो आप उसकी पढ़ाई के लिए स्टडी के लिए 50 परसेंट इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं द अकाउंट अलाउ 50 परसेंट विदड्रॉल एट द एज ऑफ 18 फॉर हायर एजुकेशन पर्पज द अकाउंट रीचेस आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 21 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग इट क्लियर है दोस्त सिंपल है यार दोस्ती लेकिन यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं ठीक है दस समझ में नहीं आया अरे विदित यार फॉर एग्जाम्पल तेरे यहां मेरे यहां एक बच्ची का जन्म होता है तो उनका जन्म होगा वो एक साल की दो साल की तीन साल की चार साल की पांच साल की होंगी तो दस साल की जब तक नहीं हो रही तब तक दस साल मैक्सिमम एज बोली है तब तक आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं उससे ज्यादा उम्र की जो बच्चे होंगे उनके लिए अकाउंट ये वाली स्कीम नहीं है 50% फॉर दी हायर एजुकेशन पर्पज, एग्जैक्टली यार मैंने लोग बोला ना स्टडी के लिए स्टडी के लिए ये. 21 साल में मैच्योर होगा 15 साल तक जमा कर आपने पैसा लेकिन अब वो पैसा अब 6 साल और लॉक रहेगा लेकिन आपको इस पूरे टाइम में 21 साल तक 7.4% या जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा पड़ेगा 8% 9% 7% जो भी ब्याज दर चल रही होगी वो मिलेगी वहां पर वर्तिका तब तक करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो क्वेश्चन बैंक से क्लियर है जनवरी के लास्ट वीक एमसीक्यू कब कराओ कल करा दूंगा दस साल हो चुके हैं छह महीने पहले दस साल हो गए कंप्लीट तो नहीं ठीक है तो ये याद रखना आपको ये ये याद रखना ठीक है इसके अलावा दोस्त आज आपको याद रखना है स्टैटिक बैच स्टार्ट हो गया है प्लीज यार मेरे भाई जिनको भी स्टैटिक में दिक्कत होती बैंक एस एस रेलवे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लर्न करने में पढ़ते तो सब है मेरे भाई बहुत कंटेंट अवेलेबल है बट याद करने में आंख बंद करके इस बैच में एनरोल करा लेना ओके आज ही जाकर अड्डा टू फोर सेवन एप्लीकेशन अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम पर जाना सिक्स मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है ट्वेल्थ मंथ इसकी वैलिडिटी रहेगी कोड याद रखना वाई वन सिक्स एट और थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो मेरा सजेशन रहेगा बैंक महापैक लेना ट्वेंटी फोर मंथ की वैलिडिटी का महापैक आपको थ्री नाइन समथिंग कुछ में मिल रहा है अड्डा टू फोर सेवन एप्लीकेशन पे बाय करने पर और कोड लगाने पर अपने भाई का वाई वन सिक्स एट ठीक है एक सौ चौसठ रुपए पर मंथ बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है और इतने में आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस अभी जो दिख रहे हैं फैकल्टी और कल को और नए भी फैकल्टीज आएंगे आएंगे तो मेरे भाई उनके भी सारे बैचेस आपको मिलेंगे ओके okay?